अच्छा जी वाकई ये ना बड़ा अच्छा है ना, जबरदस्त है ये वाला और ये वाला दोनों फोटो का दोस्त। कोई समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है, किसी की कोई बात है और किसी की कोई बात है। बच्चे अपनी माँ को सारी दास्तान सुना रहे हैं कि हमारे साथ झूलों में क्या क्या हुआ है, कौन कौन से अच्छे झूले हैं, कौन कौन से बुरे झूले हैं। आ गई हैं जी माशाल्लाह, घर तशरीफ ला रही हैं दो दिनों बाद। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे मिजाज हैं? देखे जी माशाल्लाह अपनी भाभी के साथ आई हैं और ये छोड़ने आई हुई हैं। अच्छा वैसे दो दिन से महसूस हुआ है आपको, आप तो बड़ी खुश रही होंगी। अच्छा आप ज़रा इजी रही होंगी ऐसे। चलें जी माशाल्लाह, चलें जी आए जी घर में बाहर आ गई है जी माशाल्लाह। यहीं से चलें? चलें जी चलें, तैयारी करें फिर चलें जी। माशाल्लाह जी घर में रौनक वापस आ गई है जी, और ये आतिफ साहब आए हैं जी, और ये देख लें उधर तो देख लें ज़रा माशाल्लाह घर आ गई हैं वापस। अच्छा जी घर आके खुश हुई हैं या उदास हुई खड़ी थी? जाहिर है जी मोहब्बतें जो हुई बहन भाइयों में। अच्छा और एक भाभी माशाल्लाह छोड़ने आई कि वापस ना आ जाए ऐसे, ये देख ले दो रो रही हैं, इन्होंने कहा है कि नहीं छोड़ के आना है ताकि वापस ना आए जी। हाँ जी बिल्कुल जी माशाल्लाह जी। वाकई जी आपने कहा था मैं वापस अकेली आऊंगी, लेकिन आपको ये छोड़ नहीं आई है जी, देखे अकेले नहीं आने दिया जी। बच्चों ने भी गाया, सब ने गाया जी, ये देखे तो दो दिन का खाने पीने का। नहीं नहीं यार वो हमने एक हमारे लिए वो चिकन बना के गई थी, वो हमने दो दिन वो चिकन खाया है और आलू शोरबा खाया जी हमने। आलू गोश्त तो पता नहीं था पर शोरबा और आलू बहुत ज्यादा थे। चले जी ये देखे हम यहीं से वापस जा रहे हैं घूमने फिरने थोड़ा सा। माशाल्लाह मेरे साथ टाइम भी स्पेंड नहीं किया, कहती है घूमते फिरते रहेंगे। नहीं घूमना फिरना अच्छी बात है ना। हाँ ये बात है जाहिर है। अच्छा आप यकीन करें आपके पीछे मैं कहीं पे भी नहीं गया, तो दो दिन आपने मुझे जो बासिब खाना बना गई थी ना वही खाया है, और सुबह भी वही खाया है शाम भी वही खाया। अपनी मम्मी के घर थी और मैंने तो हर जगह में घूमी हूँ शुक्र अल्लाह का। नहीं माशाल्लाह आप तो घूमने की नहीं गई। और दूसरा ये कि अब हम जा रहे हैं जरा घूमने फिरने, मेरे भाई ने और भाभी ने कुछ बच्चों के कपड़े लेने थे वो थोड़े से लेंगे, कुछ शॉपिंग करेंगे फिर जरा चलेंगे झील। हम पहुंच गए हैं जी मार्केट गुलगश्त में, कुछ शॉपिंग करनी थी मिसेस के भाई ने। बच्चा पार्टी पहुंच चुके हैं जी खैर से, भाई और भाभी अंदर हैं। वालेकुम अस्सलाम जी भाई साहब, ये कपड़े देखते हुए भाभी ये हाईलाइट ओ की मेरी बेटी आ गई भी। ये तो क्या ले रहे हैं आपकी शर्ट ले रहे हैं या अपर ले रहे हो, क्या ले रहे हो, क्या कर रहे हो आप दोनों? अहमद साहब आप क्या कर रहे हो, क्यों लेते अगर आप ले देती है तो? अच्छा पापा किधर चले गए हैं? पापा को तो कोई शौक ही नहीं है ना शॉपिंग करने का। ये जी मियाँ साहब, वही मैं बताई थी कि मियाँ साहब को तो कोई शौक नहीं है शॉपिंग करने का। हाँ जी बिल्कुल जी ऐसे ही है ना, ऐसे ही है जो आप कह रही हो सही कह रही है, आप जो कर लेती है जा रहे मैंने क्या करना है। मैंने कहा थोड़ा बड़ा लेना चाहिए किफायत शहरी यही है ताकि अगले साल भी पूरा आ जाए। ये तो बहुत ही बड़े देखें ज़रा जी मैम, बड़ा है लग रहा है, दिखाएं भाई बेचारी तीन दफ़ा पहना चुकी हैं। हाँ ये देखें ये देखें दिखाओ मिसम, ये देखो मिसू ये देखो मिसम मिसम अली देखो पूरी बच्चा पार्टी छान मारी है जी, लेकिन अभी तक कुछ कामयाब नहीं हुए ये लेने में। ये लेना चाह रही हैं बेसिकली हुडीज़ वगैरह, तो यहाँ पे नहीं थी, जो थी वो पसंद नहीं आई, लिमिटेड वैरायटी थी। तो अब हम जा रहे हैं ब्रेकआउट, ऐसे ब्रेकआउट जाएंगे ना जी।
ये देखें जी, पसंद कर रही हैं शॉपिंग। बड़ी बच्चों की बहुत मुश्किल होती है जी, बड़ी तगड़ों से कर रही हैं काम, पूरी दुकान छान मारी है। देखिए जी, मीसम साहब को ये पसंद आ गई है। ऐसे ये देखें जी, हसन साहब देखें जी, ये नज़ारा कर रहे हैं जी। इसकी मामा क्या कर रही हैं, इसकी मुमानी क्या कर रही हैं, और ये वेट कर रहा है जी। कहते हैं जब बंदे ने अपनी शॉपिंग ना करनी हो ना, तो उसको बड़ा बोरियत फील होती है। ऐसे ये जी कह रही हैं किसके लिए, हुसैन के लिए कह रही हैं जी, ले लेती हैं दो तीन चीज़ें। ऐसे आप ले सकती हैं जी, आपको मना थोड़ी किया हमने। आपने कोई चीज़ नहीं लेनी, ले देना। फिर मैं जो फिर मुझे मत कहना कि आपने लेके नहीं दी। ये मेरी बात सुन लें, और भाई मैं सुनी ना, आप भी सुन लें, फिर बाद में मुझे नहीं कहना कि आपने कोई चीज़ नहीं लेके दी। ले लें बिल्कुल, आपका अपना भी तो है जी। जी बताएं, हुक्म करें। अच्छी हैं, सारी अच्छी हैं। अच्छा, या मैं वैसे मेरी अपनी ख्वाहिश ये है इकट्ठी लेंगे ताकि एक एक करके ना लें, वैसे आपकी मर्जी है। गर्मी है ना, मैं तो कह रही हूँ शादी के लिए एक शर्ट ले लें। अच्छा, वैसे आपकी मुनासिब समझे, लेना चाहती हैं ले लें। वेट कर रहे हैं आप, किस चीज़ का वेट कर रहे हैं आप? आपकी मम्मा शॉपिंग कर रही है तो मैंने कहा जरा वेट कर लो, थक गया हूं मैं। अब मैं भी वाला वेट, हम सारे वेट कर रहे हैं, जल्दी चलें। हाँ जी बिल्कुल, शॉपिंग तो ऐसी मजलूम ऐसे बैठे हो जैसे बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। आ जाए चले, आ जाए आ जाए आ जाए। ये जी यहाँ से भी भाई ने शॉपिंग करनी है रॉयल टैक्स से जी। ये देखें जी, ये बच्चों को बड़ी मुश्किल से हमने बिठाया है, डरा के ये अंकल मारेंगे। बैठ जाओ बैठ जाओ, आराम से अंकल मारेंगे, चुप 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 चुप। जी शॉपिंग हुई कम्प्लीट, अब हम जा रहे हैं झील। टिकट काउंटर पर पहुंच गए और हम कर रहे हैं जी दूसरे लोगों का इंतज़ार। वो दूसरी गाड़ी पे हैं, पेट्रोल डलवाना शुरू हो गए थे। ये जी चमनज़ार अस्करी, एक कैंट में एक झील है जी, बहुत अच्छा पार्क है, तो हम वहाँ एंटर होंगे और आपको दिखाएंगे जी। जी हसन साहब टिकट लेके आ गए हैं, कितने टिकट्स लाए हैं? 9 टिकट्स लेके आए हैं जी। ये देखें पूरा झुरमट आ रहा है जी हमारी फैमिली का। मुस्कुराते हुए आ रही हैं जी, देखेंगे जी व्हील चेयर है या जॉइंट व्हील है। हुसैन साहब कह रहे हैं जी व्हील चेयर है, तो ये बता रही हैं जी जॉइंट व्हील है। ये देखिए जी हंसराज को देख रहे हैं जी, कहती हैं जी बड़ी खतरनाक होती है ये, पीछे लग जाती है। क्या कह रहे हैं आप मुझे बताएं? वो वाला वो जो जॉइंट व्हील है इस पर बैठना चाह रहे हैं आप? आप डरोगे फिर मुझे ना कहना। वाकई मैं ज़िंदगी में इस जॉइंट व्हील पे एक दफ़ा बैठा हूँ, मुझे वोमिट हुई थी, और उसके बाद देख लो 40 इयर्स हो गए मैं कभी नहीं बैठा। देखें जी मिस सुहीना वहाँ पे चली गई हैं ज़िद करके, और आप चीख रही हैं वहाँ बैठ के। वो देखें जी बच्चे, देखें जी बच्चे जा रहे हैं जी जॉइंट व्हील पे बैठने। सोहिना कह रही है मुझे देख के चक्कर आ रहे हैं। अभी मजा आया आपको? मुझे कुछ फील नहीं हो रहा, मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ भाई बेटा आपको मजा आया? सबको मीसम मीसम आपको मजा आया? और ये देखें जी मीसम की मम्मा आ रही है जी। ये देखें बच्चे आके अपनी रुदात सुना रहे हैं। हुआ क्या है ये तो बताओ। नहीं आप तो वैसे बड़ा कह रहे थे यहाँ बैठे जॉइंट व्हील पे। जी हुसैन साहब है, गौर साहिबा बैठी हैं, हसन बैठा हुआ है, और ये अहमद बैठा हुआ है।
छोटे बच्चे जी पहुंच गए जंपिंग कैसल और एंजॉय कर रहे हैं। कोई समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है, किसी की कोई बात है और किसी की कोई बात है। ये जी ट्रेन से उतर आए हैं जी माशाल्लाह। ये बड़े बड़े जितने भी बच्चे हैं ना सारे ट्रेन पे बैठे हैं। भाई एक मिनट, मैं फुट नहीं फिट नहीं आ रहा। ये बच्चे अपनी माँ को सारी दास्तान सुना रहे हैं कि हमारे साथ झूलों में क्या क्या हुआ है, कौन कौन से अच्छे झूले हैं, कौन कौन से बुरे झूले हैं। रैबिट ऐसे देख रही हैं जैसे उन्होंने कभी रैबिट ना देखे हो। मैंने वाकई में कभी देखे। चले जी इजाज़त ले रहे हैं जी। अच्छा जी अल्लाह हाफिज़। माशाल्लाह ये जाएंगे अपने घर को मुजफ्फरगढ़ और हम जाएंगे वापस अपने घर। हम जा रहे हैं देखिए जी आ गया है पिज्जा। वाह जबरदस्त जी माशाल्लाह। इनकी रिकमेंडेशन पे हमने लिया है जी पिज्जा। ये स्पेशल कैफे ये वाला अच्छा अच्छा ठीक। नाम बड़े मुश्किल हैं जी माशाल्लाह। एक तो समझ आ गई है कि ये स्पेशल कैफ है और पता नहीं ये लबिस्का है या कौन सा है जी। चले जी हमें तो खाने से मतलब है। अगरचि हमने दो पिज्जा मंगवाए हैं लेकिन मिस सुहिना ने फरमाया है कि जी मैं पास्ता भी लिया। कहते जी पास्ता मुझे ज़रूर चाहिए। ये देखिए जी और बड़ा कमाल पास्ता ज़रा देख लें जी ज़रा। तो पास्ता बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये देखिए जी ये पिज्जा है। ये अहमद साहब जा रहे हैं जी बाकी। जी मुझे भी सर्व किया जा रहा है जी। दोनों जहर खाएं कि साथ साथ रख लेना ताकि पता चले कौन सा बेहतर है। और अच्छा जी बाकी ये ना बड़ा अच्छा है ना, ज़बरदस्त है ये वाला और ये वाला दोनों बेहतर है। मज़ेदार है कहते हैं जी कमाल है ज़बरदस्त। मिस सुहिना ने इसको ओके कर दिया है। इट मीन्स के क्योंकि ये खुद शेफ़ है तो इनका टेस्ट बढ़ने बहुत ही अच्छे हैं। तो इन्होंने कहा जी कमाल ऐसे कमाल है ना। चले जी आप भी रिव्यू दे दें बस। देखे चेले की क्या औकात है जब खुद शेफ़ ने कह दिया कमाल। बहुत आला